सो so, सबसे कॉमन और जैसे कि हम सब जानते ही हैं बसेस होती हैं उसके बाद में होती हैं ट्रैम्स जो कि सिटी के अंदर ट्रैवल करने के लिए हैं और साथ में फिर ट्रेन्स हैं तो ट्रेन्स में जैसे सिटी के अंदर ट्रैवल करने के लिए होती हैं ऊबान और एसबान ऊबान इज अंडरग्राउंड बान जो कि मोस्टली लाइक अंडरग्राउंड चलती है बान मतलब ट्रेन और फिर होती है ऐसबान एंड ऐसबान इज़ स्टार्ट बान जो कि अगेन सिटी के अंदर ट्रैवल करने के लिए है वो ऑन ग्राउंड चलती है बट हाँ जहाँ जहाँ पॉसिबल नहीं है वहाँ ओबान भी ऑन ग्राउंड चलती है और ऐसबान भी अंडरग्राउंड चलती है और फिर होती हैं बड़ी वाली ट्रेन जिसमें आती है हमारी आई सी आई सी एंड रीजनल बानस उनके बारे में भी मैं आपको आगे और डिटेल में बताऊँगी ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है एक टिकट मशीन तो इसमें आप जैसे सारी डिटेल्स फिल करके खुद से आप अपनी टिकट निकाल सकते हो इसमें आप कार्ड और कैश दोनों से पे कर सकते हो और इसमें ऑप्शंस होंगे कि आपको स्टार्ट डेस्टिनेशन डाल दो आप फिर आपकी एंड डेस्टिनेशन डाल दो एंड आपको जैसे यहाँ पर अलग अलग टाइप की टिकट्स होती हैं डे पास होता है फिर सिंगल टिकट होती है मल्टीपल टिकट होती है ग्रुप टिकट होती है और आपके पास में ऑप्शन होते हैं मंथली पास ईयरली पास वो सब भी लेने के ये जो आप अभी देख रहे हैं ये है एक बान तो ये मतलब जैसे हमारी मेट्रो ट्रेन होती हैं वैसे आप समझ सकते हो और ये विद इन सिटी ट्रैवल करने के लिए होती हैं प्लस जो एक जैसे मेन बड़ा सिटी है उसके आसपास के अगर छोटे मोटे टाउन्स हैं तो वहाँ तक भी ट्रैवल करेगी जैसे अगर फ्रैंकफर्ट के आसपास जैसे मैं बताऊँ तो डामस्टाड है तो फ्रैंकफर्ट की जो एसबान है वो डामस्टाड तक भी जाएगी एंड फिर जो मानहाइम और हाइडलबर्ग ये सब दो तीन छोटे छोटे सिटीज़ मिल एक पूरा एरिया बनता है तो विद इन वन लाइक मानहाइम टू हाइडलबर्ग भी ये ट्रैवल करती हैं और जैसे कि आप देख सकते हो कहने को तो ये मेट्रो ट्रेन है बट यहां पे इनमें भी वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल होती है और जैसे साइकिल स्टैंड्स भी होते हैं और ये जो आप देख रहे हो ये मतलब यहाँ का इस ट्रेन का फर्स्ट क्लास है और फिर ये जो आप देख रहे हैं ये जैसे आप देख सकते हो सीट को फोल्ड करके आप मतलब बैठ सकते हो और जब नहीं यूज आ रही है तो ये साइकिल रखने के लिए जैसे जगह बन जाती है तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारी लोगों ने अपनी साइकिल्स खड़ी कर रखी हैं बिकॉज यहाँ पे साइकिलिंग और ये सब बहुत करते हैं सब लोग तो अगर कहीं दूर जाना है तो बस ट्रेन में आओ अपनी साइकिल रखो एंड देन फिर उस सिटी में जाके आप अपने साइकिल से कम्यूट कर सकते हो स्क्रीन पे दिखा रहा है कि ओके नेक्स्ट स्टेशन ये आने वाला है जैसा यूजली हर जैसे हमारे मेट्रो ट्रेन में भी दिखाता है और फिर ये आप देख सकते हो पूरे रूट का मैप बना हुआ है तो इसमें आप पूरा देख सकते हो कौन सी ऐसबान किधर कौन से जगह पे जाएगी कहाँ आपको चेंज करना और यहाँ पे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ लगती है कि यहाँ पे ये ट्रेन जैसे बटन से खुलती हैं तो अगर जैसे नीडेड नहीं है तो सारे दरवाजे नहीं खुलेंगे बहुत बार ऐसा नहीं होता है खुलती भी हैं सारे बट कई के बार वो सारे दरवाजे नहीं खोलते हैं अगर आपको उतरना है तो आप प्रेस करो बटन एंड देन यू कैन गेट ऑन और फिर जैसे हर एसबान स्टेशन के बाहर भी जैसे ये साइकिल स्टैंड होते हैं मोस्टली ये बड़े सिटीज़ में ज़्यादा होते हैं तो यहाँ से जैसे आप ट्रेन से निकले और यहाँ से आप साइकिल रेंट भी कर सकते हो एंड देन यू कैन कम्यूट इन द सिटी और ट्रेन से निकलते ही बाहर जैसे ये आप साइन देख रहे हैं ये है एक बस स्टॉप का तो यहाँ से आप बसेस ले सकते हो उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो हाई स्पीड ट्रेन होती हैं या फिर जो एक सिटी से दूसरे सिटी को कनेक्ट करती हैं तो उसमें भी तीन ऑप्शन होते हैं एक होती है रीजनल बान एक होती है आई जो आप अभी देख रहे हैं और फिर एक होती है आई तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट हाँ डिफरेंस है जैसे रीजनल बान होती है वो एक बहुत दूर तक नहीं जाती है आसपास के छोटे मोटे रीजन्स को कनेक्ट करती है और स्लो होती है बहुत सारे स्टॉप्स पे रुकती है फिर होती है आई सी ई एंड आई सी तो इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है आई सी मतलब इंटरसिटी एक्सप्रेस और आई सी मतलब इंटरसिटी तो इसमें भी अगेन जैसे स्टॉपेज का ही डिफरेंस होता है आई सी ई जो होती है वो सिर्फ जो बड़े स्टॉप्स हैं जो बड़े सिटीज़ हैं उनमें रुकती है और आई सी थोड़े ज़्यादा सिटीज़ पे स्टॉप्स होते हैं उसके एंड प्लस मैंने जो एक्सपीरियंस किया था उसके अकॉर्डिंग आई सी ई आपको फ्री वाईफाई भी ऑफर करती है और आई सी में फ्री वाईफाई नहीं होता है फिर आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं ये एक आईसी के अंदर की कैंटीन या फिर रेस्टोरेंट में बोलूंगी कितना ज्यादा स्टाइलिश है और फिर ये एक आईसी ट्रेन है इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सीट्स हैं। तो इसमें मोस्टली सिटिंग वाले ही होते हैं जैसे हमारे नहीं होते स्लीपिंग वाली सीट्स होती हैं वैसा इनमें नहीं होता है आप मतलब सिटिंग सीट्स ही होती हैं और आप बैठ के जाते हो बट जैसे कि आप देख सकते हो बहुत कंफर्टेबल सीट्स होती हैं एकदम जैसे फ्लाइट की सीट्स हैं पूरा स्पेस होता है और आराम से आप बैठ के जा सकते हो बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल नहीं होती हैं ये सीट्स और पहले मुझे लगता था कि यहाँ पे ट्रेन हमेशा ऑन टाइम होती हैं और कभी लेट नहीं होती बट टू माई सरप्राइज़ ऐसा भी नहीं होता है यहाँ पे भी ट्रेन्स लेट होती हैं एक बार तो ऐसा हुआ था कि मेरी आई ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी एक डेढ़ घंटे तक एक ही जगह पर स्टक हो गई थी तो उस टाइम पे उन्होंने जैसे ट्रेन में कंपनसेट करने के लिए सबको फ्री कॉफ़ी और स्नैक्स दिए थे वो मुझे बहुत ही ऐसे सरप्राइजिंग लगा था कि वाह जस्ट बिकॉज लेट हो इतना मतलब इतना अच्छा वो मेहमान नवाजी ये आईसी और आईसी ट्रेन स्पेशली बहुत फास्ट होती हैं जैसे आप देख सकते हो इसकी शेप भी बुलेट में है तो इसको बुलेट ट्रेन भी बोल सकते हो आप और ये मतलब 250 और 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी टच करती हैं बट जब आप उसके अंदर बैठे होते हो तो, तो बिल्कुल नहीं लगता कि इतना फास्ट वो चल रही हैं बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है और ये आई ट्रेन का फर्स्ट क्लास है तो आप देख सकते हैं सीट्स में जैसे क्वालिटी में थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस है लेदर सीट्स हैं और फिर जो आगे लेग स्पेस है जो सिटिंग uh, के लिए चेयर ऑप्शन दिया हुआ होता है वो थोड़ा बेटर है और मैंने तो अपने जॉब की वजह से इन ट्रेन्स में बहुत ट्रैवल किया है तो मैं अपना कुछ जैसे आ, मेरा जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ सो so, एक तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये यह लगी थी कि जो यहाँ पे जैसे जो मेट्रो स्टेशन हैं जो एसबान स्टेशनस हैं उन पे एंट्री एग्ज़िट के लिए कुछ भी ऐसा कार्ड एंट्रेंस नहीं थी या कोई टिकट चेक नहीं था बट हाँ यहाँ पे रेंडम चेक्स हो जाते हैं उनमें तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो टिकट लेके ही हमेशा ट्रैवल करो क्योंकि जो फाइन होएगा फिर वो इतना ज़्यादा हैवी होएगा कि आपके टिकट्स की पूरी प्राइस तो उसी में निकल जाएंगी बट हाँ आईसी ही और आईसी में जब आप ट्रैवल करते हो तो आपका रेगुलर लाइक like मैंने तो सुबह शाम इतने एक ऑलमोस्ट एक साल तक ट्रैवल किया है एंड हर बार वो टिकट चेक करने के लिए आते हैं प्रॉपर तो उसमें भी आप मेक श्योर करेंगे जैसे आप अगर पूरा ईयर का या मंथली या जैसे अभी अगर पास लेते हैं तो हमेशा डेट चेक करते रहें कि वो एक्सपायर ना हो जाए बिकॉज अगर कल भी एक्सपायर हो गया और आप आज गलती से एक दिन भी ट्रैवल कर गए वी तो फाइन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताती हूँ जो एक बार मेरे साथ हुआ था तो यूजुअली यहाँ की ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है और यूजुअली सबको आई और इन सब में बैठने के लिए सीट मिल जाती है बट हाँ ऐसा भी नहीं है कि कभी ऐसा कोई खड़ा होकर जाता ही नहीं है बट बहुत कम लोग होते हैं और एक बार ऐसा हुआ था कि आई थिंक पंद्रह बीस लोग हो गए थे कि जिनको बैठने को जगह नहीं मिल रही थी तो लिटरली उन्होंने ट्रेन में ये ऑप्शन दिया था कि अगर कोई आई से उतर के नॉर्मल एसबान लेके अगर जा सकता है अपने डेस्टिनेशन तक तो वो उतर जाए और उनको ट्रेन से उतरने के लिए थर्टी यूरो ऑफ़र किए जा रहे थे कैन यू इमेजिन जस्ट बिकॉज़ दस पंद्रह लोग खड़े होकर उनकी भीड़ हो गई थी वो मुझे मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी कि वाह यहाँ पे जैसे हर सिटी का एक मेन स्टेशन होता है और उसको हॉप्त बान बोलते हैं और ये जो आप देख रहे हैं अभी ये एक ट्रेन स्टेशन है कैन यू इमेजिन इतना ज्यादा फैंसी में कोई किसी मॉल से कम नहीं लग रहा है ये जो आप अभी देख रहे हैं ये है मानहाइम का मेन स्टेशन बट यूजुअली हर सिटी का ट्रेन स्टेशन जो होता है वो ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखता है यही आर्किटेक्चर लुक दिया हुआ होता है इतना ही बड़ा होता है आप देख रहे हैं ये है एक ट्रैम तो ये आपने बॉलीवुड मूवीज में बहुत ही देखी होगी ये एक छोटी टाइप की ट्रेन ही है जो कि सिटी के अंदर चलती रहती है ट्रैक्स बने हुए होते हैं पूरे सिटी में इसके और इसमें आप बैठ के पूरा शहर बहुत अच्छे से घूम सकते हो बिकॉज ये ऑलमोस्ट पूरा शहर कवर करती है और बहुत ही मज़ा आता है इसमें ट्रैवल करने में दिस वीडियो आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा एंड यू guys enjoyed watching इट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए क्योंकि उनको भी आई एम श्योर अच्छा लगेगा जर्मनी को देखना अगर आप कोई स्पेसिफ़िक जगह या कोई चीज़ के बारे में चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसके बारे में वीडियो बना पाऊँ और आप लोगों के साथ में वो शेयर कर पाऊँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय